उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने लोकसभा चुनाव को लेकर गिरदारी इंटर कॉलेज सिरसागंज के मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर सिरसागंज में स्थित गिरदारी इंटर कॉलेज के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विरोधी पार्टियों पर अपना निशाना साधते हुए जमकर गर्जी योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही अनेकों योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया। निःशुल्क गैस कनेक्शन, निःशुल्क राशन वितरण, जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड, असहाय बेसहारा जरूरतमंदों को आवास, निःशुल्क शौचालय, अनेकों प्रकार की सुविधाओं का दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी ने लाभ, इसके साथ साथ जनपद फिरोजाबाद में प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के हित में मतदान करने के लिए लोगों से अपील की। एक बार फिर मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के सभी का योगदान किया। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास व पूरा मैदान भारत माता के नारों योगी मोदी के से गूंज उठा। इस शुभ अवसर पर मंचस्थ इन कुछ लोगों के नाम इस प्रकार से रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ नगर फिरोजाबाद से सदर विधायक मनीष असीजा टुंडला, विधायक प्रेम सिंह धनगर, राकेश संखवार, बड़े पैमाने पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेतागण उपस्थित रहे। उपस्थित कार्यक्रम का शुभारंभ होने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पटका पहनाकर पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। फिरोजाबाद से रियान अली की रिपोर्ट। सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और अब तो कहीं जोर से पटाखा फड़ जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई दे देता। अनुसूचित जाति के आरक्षण का एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे, यानी जो बाला साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे ठीक उसके विपरीत कांग्रेस और सपा करते हुए भाजपा के प्रत्याशी को फिरोजाबाद की जनता को समर्पित करते हुए आपको आश्वस्त करता हूं, आपकी सुरक्षा, आपका विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को वैसे ही